हेलो, आज हम आपको सैर कराएंगे हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास स्थित चैल में एक बहुत ही खूबसूरत स्थान जिसका नाम है काली टिब्बा। काली टिब्बा माँ काली का मंदिर है और जो चैल से लगभग 7 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है और यहाँ तक जो पहुँचने का रास्ता है वो भी आपको घने जंगल में से होकर गुजरना पड़ता है। और इस जब जंगल से जब आप गुजरते हैं तो दोनों तरफ चीड़ और देवदार के पेड़ और आसपास का नज़ारा आपका मन मोह लेता है। और मंदिर में पहुँचने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी विशाल किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और वहीं से जब आप आसपास का नज़ारा देखेंगे तो आपको 360 का व्यू नज़र आएगा और चारों ओर आपको बादल तैरते हुए नज़र आएंगे और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण भी आपका मन मोह लेगा। तो यहाँ आप दर्शन करेंगे हनुमान जी के, शिव जी के और माँ काली के। और फिर यहाँ पर शाम गुजारने के बाद जब आप वापस नीचे आएंगे तो आपके ठहरने के लिए भी हम आपको एक अच्छा ऑप्शन बताएंगे कि आप यहाँ पर कैसे इकोनॉमिकल और पीसफुल वातावरण में आप यहाँ पर रुक सकते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको एक स्थान बताएंगे। तो चलिए आज की ये यात्रा शुरू करते हैं। इस समय हम चायल में हैं और चायल शिमला से लगभग 47 किलोमीटर दूर है और सोलन से ये स्थान 45 किलोमीटर दूर है। लेकिन यदि आप कसौली से भी यदि चायल आना चाहें तो ये स्थान कसौली से 67 किलोमीटर दूर है। तो एक बार आपको यहाँ पर आना है चायल में, फिर उसके बाद चायल से आपको काली टिब्बा का जो जंगल का रास्ता है वो कवर करना है। मोटर मार्ग है जो लगभग 7 किलोमीटर का है। और जब आप एंटर कर जाएंगे इस रास्ते पर तो थोड़ा आगे चलने पर आपको ये मोड़ आएगा। यहाँ से जो ये रोड सीधी जो आप देख रहे हैं ये जा रही है चंडीगढ़ की साइड, लेकिन हमें जाना है काली टिब्बा। तो आपको ऊपर की ओर जो ये रोड जा रही है, रास्ते में बोर्ड भी आपको लगा मिल जाएगा, यहाँ से अब आपको ऊपर की ओर आगे बढ़ जाना है। और रास्ते में आपको बहुत आनंद आने वाला है क्योंकि बिल्कुल पीसफुल वे है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई इक्का दुक्का आपको गाड़ी आती नज़र आएगी। अदरवाइज़ आप पूरा शांति के साथ इस सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। और यदि आप मानसून में आते हैं तो आपको यहाँ पर पूरी हरियाली मिलेगी और बारिश भी होती हुई मिल जाएगी, बादल भी छाए हुए मिलेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और यदि आप माँ काली के भक्त हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। वैसे भी यदि आप चायल में आते हैं और काली टिब्बा नहीं जाते हैं तो आपकी चायल की यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। बहुत ही आपको ये सुहावना सफ़र होने वाला है और 1-2 किलोमीटर पहले ही आपको मंदिर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए चोटी पर मंदिर बना हुआ है और कैसे नीचे से सफ़ेद सफ़ेद बादल ऊपर की ओर उठ रहे हैं। बहुत ही सुहावना और आनंददायी ये स्थान है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आप चाहें तो यदि शिमला आते हैं और कुफरी में हैं तो कुफरी से भी आप यहाँ पर चायल पहुँच सकते हैं और कुफरी से जो चायल की दूरी है वो 33 किलोमीटर है। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड दिस इज़ द एंट्री गेट ऑफ द टेम्पल। आपको ऐसा लगेगा अंदर आते ही जैसे आप किसी विशाल किले के अंदर, बहुत बड़े फोर्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। और जो ये आप दीवारें देख रहे हैं दोनों तरफ बनी हुई, ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई हैं। इट्स वेरी नाइस व्यू। इस समय मैं चायल में काली टिब्बा आ चुका हूँ।
काली टिब्बा में एक बहुत ही प्रसिद्ध और मान्यता वाला मंदिर है माँ काली का। तो चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और नमन करते हैं माँ काली को। तो मंदिर में पहुँचने के बाद अपनी गाड़ी पार्क करके आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि इसके नाम से ही मालूम पड़ता है काली टिब्बा, तो काली का मतलब हुआ माँ काली और टिब्बा का मतलब होता है पहाड़ में एक ऊंचा स्थान। तो पहाड़ में चैल में ये ऊंचाई पर बना हुआ माँ काली का मंदिर है जिसे काली टिब्बा के नाम से जाना जाता है। और ये दर्शन कीजिए आप माँ काली के। और अभी यहाँ पर माँ काली को मूर्त रूप में लाया गया है, लेकिन 2002 से पहले यहाँ पर माँ काली पिंडी रूप में विद्यमान थी और बाद में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और ये यहाँ पर शिवलिंग और उसके बाद गणेश जी और गणेश जी के ही साथ पंचमुखी हनुमान जी के भी आप दर्शन करिए। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये सुहाग वृक्ष है और स्त्रियां जिनका विवाह हो जाता है वो सुहाग की निशानी के रूप में यहाँ पर अपने कुछ कड़े वगैरह लगा के जाते हैं। और ये है यहाँ का धूना। और यह है मंदिर के बाहरी प्रांगण का दृश्य। यहाँ पर आसपास के राज्यों से भी बहुत सारे सैलानी आते हैं इस मंदिर में माँ काली के दर्शन करने और साथ ही यहाँ पर मौजूद प्रकृति का नज़ारा लेने। और यहाँ का सनसेट तो बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि आप एक ऊंचाई से सूर्य को नीचे जाता हुआ देखते हैं। और दूसरा, यहाँ के मौसम के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कभी भी मौसम एकदम से बदल जाता है और एकदम से धूप आ जाती है और एकदम से बारिश होने लगती है। आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर यहाँ पर नज़ारा है। और क्योंकि इतनी अच्छी हाइट पे लगभग 2226 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है और यानी कि 7500 फीट की ऊंचाई पर यह टेंपल बना हुआ है, तो इतनी अच्छी हाइट पे होने के कारण यहाँ पर मौसम बहुत ही प्लीजेंट बना रहता है और आपको एक बिल्कुल स्वर्गिक आपको अनुभूति होगी कि जैसे आप किसी स्वर्ग जैसे स्थान पे आ गए हैं, क्योंकि सामने पूरी आपको यहाँ पर चूर चांदनी की और शिवालिक रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको मंदिर से खड़े होकर दूर तक नज़र आने लगती हैं। तो एक हेवन लाइक व्यू यहाँ पर क्रिएट हो जाता है जिसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर जो भक्त आते हैं माँ काली के दर्शन करने के बाद फिर वो इस नज़ारे को बैठकर घंटों निहारते रहते हैं। सो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो यदि कभी भी आप शिमला जाते हैं और चाय लाते हैं और अगर इस स्थान पर आने से चूक जाते हैं तो आप एक बहुत अच्छी जगह को देखने से चूक जाएंगे। तो मंदिर में अच्छा समय बिताने के बाद अब हम वापस नीचे आ रहे हैं और माँ काली का आशीर्वाद लेने के बाद और पुजारी जी से मार्गदर्शन लेने के बाद ये सामने पुजारी जी आ रहे हैं और अब हम निकल पड़े हैं वापस नीचे चायल की ओर। और जहां हम आपको एक होटल दिखाएंगे, होटल ग्रैंड सनसेट। तो यदि आप चायल आते हैं और किसी अच्छे स्थान में रुकना चाहते हैं तो आप इस स्थान पे भी विचार कर सकते हैं।
और यह है होटल ग्रैंड सनसेट। चाइल से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही आपको यह होटल नज़र आ जाएगा। दिस इज द एंट्रेंस एंड दिस इज द रूम। काफ़ी कोजी रूम है और आपको ओनली 1500 रुपीस पर नाइट के चार्ज से आप इस रूम में रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने रूम से बहुत अच्छा व्यू भी नज़र आएगा। काफ़ी नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा और स्पेशियस रूम है। और दूसरी इसकी खासियत यह है कि जब आप टेरेस पे भी आएंगे तो यहाँ से आपको पूरा चारों तरफ का अच्छा व्यू नज़र आएगा। यहाँ पर भी आप बैठकर, यदि मौसम ऐसा हो कि आप ओपन में बैठ सकते हैं धूप में, तो यहाँ बैठकर आप चाय कॉफ़ी लेकर भी प्रकृति का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो यदि आप चाय लाते हैं और किसी शांत और नैसर्गिक स्थान पर रुकना चाहते हैं जहाँ पर आप विश्राम के साथ साथ प्रकृति को भी निहार सकें, तो मेरे ख्याल से होटल ग्रैंड सनसेट उसके लिए एक अच्छी जगह है। तो इसी होटल के साथ ही, दिखाने के साथ ही मेरा ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और आपने मेरे इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।